इंदौर में हनुमान अष्टमी पर रंजीत हनुमान की प्रभात फेरी में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के साथ ही उनके मकानों को तोड़ने की मांग की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वीडियो के आधार पर हत्याकांड के आरोपियों की जाँच की जा रही है, जल्द ही घटना से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल गुरुवार की सुबह रंजीत हनुमान की प्रभात फेरी के दौरान धक्का मुक्की को लेकर युवकों के दो गुट में विवाद हो गया था, जिसमें शुभम रघुवंशी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, ठीक। देखिए, जो आज की घटना थी समूचे इंदौर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि वो हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता साथी होने के नाते जिस तरह से उसके साथ घटना करी है उन गुंडों ने, जो नशे के एडिक्ट है, उन लोगों ने इतना बड़ा जन समुदाय जिसको लेकर धार्मिक भक्ति में सराबोर होकर इंदौर शहर का पूरा जन समुदाय निकला सड़कों पर, तो वो भक्ति तो सेकेंडरी हो गई, लेकिन ये इतनी बड़ी विभत्स घटना प्राइमरी हो गई है। उसको लेकर माननीय कमिश्नर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उस पर कठोर कार्रवाई तो हो, साथ में उसमें और क्या कठोर कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर उसके मकान को क्षतिग्रस्त करने का आश्वस्त किया है, उसका जुलूस निकाला जाएगा और ये किसी कार्रवाई होगी तो अपने आप में प्रदेश में मिसाल क्या करेगी। एक ही कार्रवाई से सब ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि लगातार जो है कि अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? इस अन्य मेरे को लगता है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा वो एक कार्रवाई नहीं होगी, वो इंदौर शहर को एक संदेश जाएगा उन गुंडों के लिए कि शहर में गुंडों को नहीं बख्शा जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर इंदौर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपने उज्जैन की घटना देखी होगी कि जिस तरह से वो भी एक धार्मिक यात्रा में उन्होंने जिस तरह से किया था, तो उसको लेकर कैसा दंड दिया, उसको कैसी कार्रवाई करी, तो वैसी उससे बेहतर कार्रवाई यहाँ पर होगी। मेन बीजेपी को भी आकर इसमें संज्ञान लेना चाहिए, अपराध बढ़ते अपराधों के लिए युवा मोर्चा के साथ ना, युवा मोर्चा है मतलब भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ही यहाँ युवा मोर्चा दिख रहा है, ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी की तो परिवार है। तीन दिनों में लगातार दूसरी हत्या हो गई, इतनी बड़ी क्या कहना चाहते, यात्रा में धार्मिक यात्रा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास था? नहीं, ये तो गुंडों के द्वारा किए गए दुष्कृत कार्य, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है गुंडों का, गुंडों की कोई जाति नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई रीति होती है, ना नीति होती है, तो वो तो गुंडों का काम था, उसको पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से कार्रवाई करेगी। क्या मांग रखी है? गुंडों के साथ जैसी कार्रवाई होना चाहिए वैसी कार्रवाई होगी, उसका मकान तोड़ा जाएगा, जितने भी, और तो आदतन अपराधी है, उसका रिकॉर्ड भी निकाल लिया है सीपी साहब ने और उनके साथ में जो उनके तीनों चारों साथी हैं, लेकिन मेरे को तो अभी किसी कार्यकर्ता साथी ने उसके फोटो वीडियो भी बताए हैं कि कोई कांग्रेस के तथाकथित नेता है जिनका संरक्षण था उनको, तो नाम बताएंगे? अब वो तो मेरा भी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये जरूर आया कि वो कांग्रेस के तथाकथित नेताओं के संरक्षण में पलता बढ़ता था, तो ये कांग्रेस के जो नेताओं का संरक्षण है उनका गुंडाराज भी खत्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन पर बात करने वाली पार्टी, सुशासन दिखेगा आपको। इसमें अभी हम लोगों ने कुछ व्यक्तियों को और कुछ बालकों को अभी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें अभी जो प्रकरण दर्ज हुआ है वो अज्ञात में दर्ज हुआ है, अभी शीघ्र ही आरोपियों के नाम और उन पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर, जो वीडियो वायरल हुए थे क्या उसमें भी कुछ पहचान हुई? उन्हीं के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश की है और अपने नतीजे पर पहुंच रही है, शीघ्र ही इसमें जो फॉर्मल अरेस्ट हैं वो कर ली जाएंगे। सर, अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई गिरफ्तारी का? अभी जो है मैं अभी आरोपियों के की गिरफ्तारी या अन्य चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, परंतु इसमें हम लोगों ने कुछ घटना से जुड़े हुए व्यक्तियों को डिटेन किया है। सर, कुछ बात सामने आई है कि घटना क्यों हुई थी, क्या विवाद हुआ? इसमें अभी जो विवेचना में जो बात आई है, इसमें दो ग्रुप्स में एक धक्का लगने के बाद पर विवाद हुआ था, एक बार विवाद हुआ, दोनों अलग अलग पक्ष अलग अलग हो गए थे, फिर एक लड़के ने वापस आकर के मृतक को चाकू मारा है।